अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवन। क्लास सेवन हमने 1.3 तक एक्सरसाइज कर ली थी। आज हमारे पास सबसे पहले है यूनिवर्सल सेट। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट होता क्या है। यूनिवर्सल सेट उस सेट को कहते हैं जिसके तमाम सबसेट जो अंडर कंसिडरेशन होते हैं उनके तमाम के मेंबर्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट के मेंबर होते हैं। जैसे सपोज मैं आपसे कहती हूँ आपका स्कूल बैग ये एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से, ठीक है। आपका स्कूल बैग यूनिवर्सल सेट है। किस तरह? अब देखिए आपके स्कूल बैग के अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं बताइए मुझे। SST होता है, ठीक है, ड्राइंग होता है, अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ सबकी, ग्रामर होता है, और क्या होता है, इंग्लिश, उर्दू मैथ और इस्लामियात और कंप्यूटर। 10 सब्जेक्ट्स होते हैं ना। सिंधी 9, साइंस 9, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। क्यों यूनिवर्सल कहा? अब इसके सबसेट, मंडे का टाइम टेबल। अब आपका मंडे का टाइम टेबल, चले इसे हम मंडे के टाइम टेबल को यानी इस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल M से। मंडे में सपोज आप लाते हैं SST, उर्दू, मैथ और इंग्लिश, ठीक है, और ट्यूसडे में लाते हैं आप, ट्यूसडे को टी से कर देते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्यूसडे में आप लाते हैं इस्लामियात, कंप्यूटर, साइंस और इस्लामियात, कंप्यूटर, साइंस, ड्राइंग, ठीक है। और फिर उसके बाद फ्राइडे में आप लाते हैं ग्रामर, सिंधी, ठीक है। तो यानी ये जो तीनों ये सेट है ये अंडर कंसिडरेशन है, इनको हम देख रहे हैं अभी, है ना। तो यानी इसका मतलब है इसके तमाम मेंबर्स इसके मेंबर हैं, तो ये कहलाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। क्या है ये? यूनिवर्सल सेट। अब हम मालूम करते हैं, अगर मैं ये कहूँ ये M सेट है, उसके मेंबर हैं SST, उर्दू, मैथ, इंग्लिश, और हमें मालूम करना है M कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे हम? यूनिवर्सल सेट और M, यानी M के मेंबर है ये, ठीक है, इनको माइनस करके यूनिवर्सल, अब M कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे, यूनिवर्सल माइनस M, तो ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, M कॉम्प्लीमेंट। कैसे? अब इसके मेंबर क्या होंगे हम लिख लेते हैं, इसको माइनस करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए मंडे में SST भी आ गया है, उर्दू भी आ गया है, और मैथ भी आ गया है, इंग्लिश भी आ गया है। अब कौन से बच्चे बताइए? अब हमारे पास बचे ड्राइंग। कौन से सब्जेक्ट बचे? ड्राइंग, ग्रामर, इस्लामियात, कंप्यूटर, सिंधी और साइंस।
यानी ये हो गया हमारा एम कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह सपोज आपने टी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, टी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, कैसे मालूम करेंगे? यूनिवर्सल माइनस टी क्या बनेंगे, जल्दी से बताइए। टी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर क्या बनेंगे? ये इस तरह से छोटा सा ये साइन होता है इसके ऊपर, क्या बनेंगे? आप इस्लामियात, अब हम ये इरेज कर देते हैं क्योंकि अब तो हम कंसिडर किसको कर रहे हैं, अब हम ट्यूजडे यानी टी को कर रहे हैं कंसिडर, ठीक है। तो अब इसको नहीं देखेंगे, ये तो एम के साथ मामला था, सही है? अच्छा आप देखिए, टी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं, इस्लामियात, कंप्यूटर साइंस, ड्राइंग, इनको निकाल कर यूनिवर्सल में जो बचे हैं, क्या बचे हैं बताइए? एसएसटी, ग्रामर, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, सिंधी, जी। अब ये हो गया आपका टी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक और मालूम कर लेते हैं, एफ कॉम्प्लीमेंट। एफ कॉम्प्लीमेंट वो भी इसी तरह होगा, यूनिवर्सल माइनस एफ, यूनिवर्सल माइनस एफ, यानी एफ कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से होंगे? अब देखिए, अब इसको तो हम इरेज कर देंगे क्योंकि अब इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम एफ को कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए अब इस पे हम तवज्जो नहीं देंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास फ्राइडे में क्या क्या मौजूद है, फ्राइडे में, फ्राइडे में ग्रामर है, सिंधी है, बस बाकी यानी 8 सब्जेक्ट जो हैं वो हमारे एफ कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे, एसएसटी, ड्राइंग, एसएसटी ड्राइंग, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, इस्लामियात, कंप्यूटर और साइंस, कंप्यूटर और साइंस, ठीक है। ये हमारा है एफ कॉम्प्लीमेंट। देखिए 8 सब्जेक्ट होंगे क्योंकि ये इन दो को तो निकाल दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारा एफ कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी जो बैग में छोड़ के आ गए हम, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये मंडे में जो बैग में सामान छोड़ के आ गए वो एम कॉम्प्लीमेंट होगा, ट्यूजडे में जो सामान घर पे छोड़ के आ गए, जो सब्जेक्ट घर पे छोड़ के आ गए वो टी कॉम्प्लीमेंट होगा, और फ्राइडे में जो सब्जेक्ट घर पे छोड़ के आ गए वो होगा एफ कॉम्प्लीमेंट। आ गया कॉम्प्लीमेंट अच्छी तरह समझ में? अच्छा अब उसके बाद अपनी एक्सरसाइज देखिए, पेज नंबर 12 पर एक्सरसाइज देखिए 1.4। अब देखिए ये यूनियन तो मैं आपको सिखा चुकी हूं, पीछे हम एक्सरसाइज में यूनियन और इंटरसेक्शन सब कर चुके हैं, हम कॉम्प्लीमेंट मैंने यहां आपको सिखा दिया, ठीक है। अब चलिए मैं एक एग्जाम्पल की कोई बता देती हूं, तो फिर ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये आप खुद करेंगे, ठीक। एक एग्जाम्पल मैं करके दिखा देती हूँ आपको, यूनियन सेट है हमारे पास
यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। और बी हमारे पास है, बी सेट है हमारे पास एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। अच्छा, अब हमने मालूम करना है, मैं एक करके बता रही हूं बस, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। देखिए कैसे करेंगे, पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट, देखिए पूरा एक सेट बनेगा ना, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट यहां पहले मालूम करना होगा। बी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा हमारे पास, यू माइनस बी, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब यू, यू क्या है देखें, बी के मेंबर है आपके पास एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये हटा दिए यहां से, है ना। तो फिर क्या बचा आपके पास, बी कॉम्प्लीमेंट में आपके पास बचा यू वी W, ठीक है। अच्छा, अब आपने मालूम यह करना है B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B, B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। अब इसको किस तरह लिखेंगे, पहले B कॉम्प्लीमेंट को लिखिए, B कॉम्प्लीमेंट है आपका U V W, ठीक है। उसके बाद यूनियन, और अब B सेट उतारिए, B सेट क्या है आपका X Y सेट, ठीक है। आप बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी क्या बनेगा, आप ये देखिए ये हमारा क्या बनेगा, आप यूनियन है ना, तो यूनियन में क्या कर देते हैं आप, यूनियन में इसे प्लस कर देते हैं, है ना। तो अब यू वी डब्ल्यू एक्स Y और Z। अब आपको पता है कि टेबुलर फॉर्म के अंदर ऑर्डर डज नॉट मैटर, है ना, ऑर्डर का कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे, कोई जरूरी नहीं होता। तो ये X, Y, Z अगर आखिर में भी लिख देंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपका B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B ये आंसर हुआ। अब एक्सरसाइज 1.4 ये खुद करेंगे आप। अब देखिए क्लास, अगर हमारे पास ए यूनियन बी है, ठीक है, अब इसे मालूम करते हैं क्या होगा ए यूनियन बी। ए क्या है हमारे पास 2, 4, 6, 8, ठीक है, और यूनियन बी क्या होगा हमारे पास 1, 2, 3। अब ए यूनियन बी क्या बना हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 1, 3, ठीक है। अब हम B यूनियन A देख लेते हैं, B यूनियन A, B यूनियन A इज इक्वल टू, अब आप देखिए B क्या है आपके पास 1, 2, 3, ठीक है, और यूनियन A क्या है आपके पास 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब आपके पास B यूनियन A क्या बना, ये हम सब यूनियन तो अभी पीछे कर आए ना, हम इन्हें कंबाइन कर दें क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 8। अब अगर आप गौर करें तो देखिए ए यूनियन बी ये है और बी यूनियन ए ये है, तो देखिए 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, कंपेयर कीजिए। अब 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, ऑर्डर डज नॉट मैटर, है ना, ऑर्डर का तो कोई बात ही नहीं है ना इसके अंदर। 4, 4 भी है, 6, 6 भी है, और 8, 8 भी है, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए,
ये प्रॉपर्टी कहलाती है, जैसे हमारी एडिशन की प्रॉपर्टी थी ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अब ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन सेट, ठीक है। और अगर ये इंटरसेक्शन हो विद रिस्पेक्ट टू यूनियन सेट या इंटरसेक्शन, तो वो भी क्या होगी, देखिए आप उसे, हम ऐसा करते हैं डिफरेंट पेन से करते हैं ताकि आपको क्लियर जो है वो नजर आए, ठीक है। अच्छा देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, कैसे मालूम करेंगे इंटरसेक्शन बी, ए में क्या है, 2, 4, 6, 8, ठीक है, इंटरसेक्शन मीन कॉमन, ठीक है। अच्छा बी बताइए, 1, 2, 3, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या बनेगा, इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है ना, तो यानी हमारे पास 2 आ गया, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम देखते हैं बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, बी देखिए क्या है हमारे पास, 1, 2, 3, ठीक है, इंटरसेक्शन यानी कॉमन, ठीक है, ए देखिए क्या है हमारे पास, 2, 4, 6, 8, जी जल्दी बताइए दोनों में कॉमन कौन सा है, इंटरसेक्शन मीन कॉमन, कौन सा है कॉमन, वही 2 कॉमन है। तो हमने ये देखा, क्या देखा हमने, ए इंटरसेक्शन बी, अब ये मैं रेड से लिख रही हूं ताकि क्लियर आपको पता चले, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कैसे, दोनों का आंसर क्या है, दोनों का आंसर आया है 2, ठीक है। ये देखिए, ये कहलाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, आ गया समझ में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब 7th क्लास, अपनी बुक देखिए, पेज नंबर 15। अब पेज नंबर 15 के ऊपर एक्सरसाइज है 1.5। अब यहां पर आपको ए भी दे रखा है और बी भी दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने, अच्छा अब यहां पे जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट ही होती है। अब ये यहां पर आपको डिफरेंस में भी दे रखा है, डिफरेंस में इज इक्वल टू नहीं होता, तो अब ये आपने चेक करना है। अब इसके बाद आपका है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब ये मिटा देते हैं। अब इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन। क्वेश्चन है हमारा, अब हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन ठीक है। अब इसमें सपोज हम कहते हैं हमारे पास एक ए सेट है, अभी अपनी एग्जाम्पल से समझा रही हूं मैं आपको, एक सेट है ए बी सी डी इसके मेंबर हैं और एक बी सेट है इसके मेंबर हैं ई एफ और एक है सी उसके मेंबर हैं हमारे पास जी एच और एफ। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं ए यूनियन विद बी यूनियन सी। ठीक है, तो अब इसमें पहले क्या मालूम करेंगे हम बी यूनियन सी क्या होगा? बी यूनियन सी, बी क्या है? ई एफ। ठीक है, बी यूनियन सी है, बी है आपका ई एफ और यूनियन किसके साथ बनेगा इसका? सी के साथ, जी एच एफ। और फिर बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? दोनों यूनाइट हो जाएंगे, यानी ई एफ जी एच। ठीक है, बी यूनियन सी क्या आया? ई एफ जी एच, एफ तो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अब हम करते हैं ए यूनियन विद बी यूनियन सी। अब हमारे पास ए क्या है? हमारे पास ए है ए बी सी डी यूनियन बी यूनियन सी ये आया है हमारे पास। देखिए बी यूनियन सी ये आया है ना। ठीक है, अब इसको रखेंगे ई एफ जी एच। ठीक है, अब यहीं पे मालूम कर लेते हैं, आप देखेंगे सब आपस में क्या होंगे, यूनाइट हो जाएंगे। तो यानी अब हमारे पास क्या बनेगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्या बना आपका? ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब हम मालूम कर लेते हैं, ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी आया। अब हम करते हैं ए यूनियन बी विद यूनियन सी। ए यूनियन बी के देख लेते हैं हम पहले हम देखते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होगा हमारे पास? ए क्या है हमारे पास? ए बी सी डी और यूनियन फिर हमारे पास बी क्या है? बी है ई एफ ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या बनेगा हमारे पास? ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे पास बना ए यूनियन बी। अब हम देख रहे हैं ए यूनियन बी विद यूनियन सी। अब ए यूनियन बी तो ये निकल आया ना हमारे पास, तो ये ए यूनियन बी की जगह इसे रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये देखिए ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, यूनियन अब इसके साथ सी के साथ यूनियन करेंगे हम इसका, जी एच एफ। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं, यूनाइट कर देते हैं इसको, क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच। देखिए कैसे यूनाइट किया ना इसे आपने, ए बी सी डी ई एफ और जी एच, एफ रिपीट नहीं होगा। यानी अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, किसको? इसको
किधर, ए यूनियन बी विद यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन, ए यूनियन विद बी यूनियन सी और ए यूनियन बी विद यूनियन सी, ठीक है। आप इन्हें कंपेयर करते हैं, देखिए ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी एच एच, सेम है ना। तो इसका मतलब है, अब मैं इसे ब्लैक पेन से लिखती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ नीचे नहीं लिख रही हूँ, यहाँ लिख रही हूँ। यानी ये इज इक्वल टू है किसके, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू है किसके, ए यूनियन बी विथ यूनियन सी। ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, बस इसको याद रखिएगा, ये यूनियन तीन चीजों का है, वन टू थ्री, थ्री सेट्स का यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो थ्री सेट्स का है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थ्री सेट्स की है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि थ्री सेट्स होंगे तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और जहां दो सेट की बात हो रही होगी तो वो जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी इसे आप कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन सेट। यूनियन देखा है ना अभी हमने, यूनियन सेट, ठीक है। तो ये है आपकी ए यूनियन विद बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है हमेशा ए यूनियन बी यूनियन बी, ए यूनियन बी विद यूनियन सी के, ए यूनियन विद बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी विद यूनियन सी। ये तीन सेट आ गए इसमें, ए बी सी। तो जहां तीन सेट वाली बात हो रही हो तो ये लॉ जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन सेट है, और जहां वो दो वाली बात होगी यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो वो दो सेट है सिर्फ उसके अंदर उसकी बात हो रही है, तो वो याद रखिए दो वाले में आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और ये तीन वाले में क्या है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा अब इसका इंटरसेक्शन देख लेते हैं, ये तो अच्छी तरह समझ में आ गया ना, ये इसका था यूनियन, अब हम इसका इंटरसेक्शन देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी विद इंटरसेक्शन सी। अब पहले हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मालूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें पहले हम मालूम करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी क्या है आपके पास, ई और एफ, ठीक है, इंटरसेक्शन। अब सी क्या है, बी और सी मालूम कर रहे हैं ना, सी क्या है आपके पास, सी है आपके पास जी एच एफ, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या कॉमन है, एफ कॉमन है ना, तो यानी ये आया एफ आंसर आपके पास, ठीक है। अच्छा अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन विद बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन विद बी इंटरसेक्शन सी, अब इसमें क्या करेंगे, पहले ए रखिए, ए क्या है आपके पास, ए बी सी डी, ठीक है, ये आपका ए है और बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या निकला है आपका, एफ, ठीक है। आप बताइए, अब बताइए ये पूरा क्या होगा, कुछ कॉमन है नहीं है ना, तो यानी ये आपका नल सेट है जिसे आप phi b कहते हैं, ठीक है। अच्छा आप वो देख लेते हैं, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b विद इंटरसेक्शन c, विद इंटरसेक्शन c,
अब ये किस तरह करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए क्या है आपके पास, ए है ए बी सी डी, ठीक है, इंटरसेक्शन बी क्या है आपके पास, ई एफ, सही है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, इज इक्वल टू कुछ बन रहा है, नहीं कुछ भी नहीं बन रहा, नल सेट आ रहा है, नल सेट, ठीक है, कोई कॉमन चीज नहीं है ना। अब उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी विथ इंटरसेक्शन सी, तो ये आपके पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है नल सेट, ठीक है, इंटरसेक्शन सी, सी आपके पास क्या है, जी एच एफ, ठीक है। तो अब इन दोनों में कोई कॉमन है, कोई कॉमन है, नहीं है, तो यानी आंसर क्या आएगा आपका, नल सेट जिसे आप फाई भी लिखते हैं ना, तो यानी इसका आंसर क्या हुआ आपके पास, इसका आंसर ये देखिए, अब मैं मार्क कर रही हूं ब्लैक से ताकि आपको वाजे बिल्कुल क्लियर पता चल जाए। देखिए ये है आपका, ये ए इंटरसेक्शन बी विद बी इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर ये है आपके पास, या तो फाई कह दें या फिर नल सेट कह दें, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी विद इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, ये भी नल सेट ही आ रहा है आपके पास, है ना। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन विद बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है, यानी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी विद इंटरसेक्शन सी, ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, अब क्या है ये, इंटरसेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन सेट, इंटरसेक्शन सेट, ठीक है, आगे अच्छी तरह समझ में। अब इसे दो से तीन मरतबा देखेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, अब उसके बाद देखते हैं हम, अच्छा अब क्लास क्लास ये जो एक्सरसाइज है क्लास सेवन, ये जो एक्सरसाइज आपकी है 1.5 पेज 15 के ऊपर, ये सिर्फ वेरीफाई करना है आपने। पहला वाला जो है ए जो है वो ए, इफ ए इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, बी इज इक्वल टू माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स एंड सी इज इक्वल टू, ये है, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई किस तरह करते हैं ये अब मैं करना आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन करके बता रही हूँ और फिर आपने सब करने हैं। वेरीफाई किस तरह करते हैं, वेरीफाई क्या चीज होती है, देखिए जैसे आपके यहाँ क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और बी है आपके पास माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स और सी है आपके पास, मिक्स क्वेश्चन है ना इस वजह से सी भी दिया हुआ है, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और माइनस फोर। अब आगे क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई करने का है, ठीक है। अब इसमें से कोई एक मैं ले लेती हूँ, मैं सेवन ले लूँ, सपोज बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी। आप देखिए इसमें ये होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है कि राइट हैंड साइड, ठीक है। पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो पहले हम प्रूफ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी, बी क्या है आपके पास, आपके पास बी है माइनस वन माइनस फोर
माइनस फाइव माइनस सिक्स, ठीक है, और उसके बाद इंटरसेक्शन सी क्या है आपके पास, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, तो आपके पास बी इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा, क्या कॉमन है इसके अंदर, वन इसमें भी है इसमें भी है, फोर इसमें भी है इसमें भी है, बस, यानी आपके पास बी इंटरसेक्शन सी क्या हुआ, माइनस वन माइनस फोर, ठीक है। अच्छा, आप उसके बाद आ जाते हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ठीक है, आप राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं सी इंटरसेक्शन बी। अब सी रखिए, सी आपका क्या है, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और माइनस फोर, ठीक है, आप इंटरसेक्शन कीजिए इसका बी के साथ, बी आपके पास क्या है, वन माइनस फोर माइनस फाइव और माइनस सिक्स, ठीक है। आप देखिए दोनों का इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, माइनस वन माइनस वन माइनस फोर माइनस फोर, और कुछ भी नहीं कॉमन, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बना, ये बना हमारे पास माइनस वन और माइनस फोर। अब अगर आप तवज्जो दें तो यहां पर देखिए, यही है ये भी यही है, सेम है ना, यानी बी इंटरसेक्शन सी, तो फिर आप ये कहेंगे बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी, हेंस वेरीफाइड। और ये क्या है, इसका बी इंटरसेक्शन सी का आपको आंसर क्या आया है, माइनस वन माइनस फोर, ये लिखना जरूरी है, इज इक्वल टू, इसका भी आंसर क्या आया है, माइनस वन माइनस फोर, ठीक है। अब इसे आप लिख दें, हैंस प्रूफ, हैंस वेरीफाइड, ठीक है, इस तरह करना है। अब जिसमें आपके यहां लगा हुआ है डिफरेंस जो है उसके अंदर इज नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, तो वो भी करके इसी तरह देखिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है या गलत है, वो आपने ये वेरीफाई करना है इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी तरह बिल्कुल ये वेरिफिकेशन मैंने आपको सिर्फ इंटरसेक्शन की बताई है ना, तो इसी तरह ये सारे कर करके आपने देखने, फिर वो प्रूव होगा, और सब में इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इस तरह कर करके। फिर क्वेश्चन नंबर बी है इसका, गिवन यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, अब बी में नीचे आपको दिया हुआ है जो मालूम करना है यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट, तो उन्होंने ये कहा है कि यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाइव, यानी खाली सेट होगा ये, और फाइव कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो होगा यूनिवर्सल। अब ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, तो बिल्कुल मेथड वही आप लेंगे जो अभी मेथड मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इस तरह करके निकालेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।